महाविद्यालय में एक पेड़ माँ के नाम अभियान अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न। खबर श्योपुर से है, जहां पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय श्योपुर में प्राचार्य डॉक्टर विपिन बिहारी शर्मा के मार्गदर्शन में और इको क्लब के तत्वाधान में विद्यालय के औषधि वाटिका में एक पेड़ माँ के नाम अभियान अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण किया गया, जिसमें यूको क्लब के छात्र छात्राओं के साथ साथ प्राचार्य प्राध्यापकों को सहायक प्राध्यापकों को और कार्यालयीन स्टाफ ने एक एक पौधा रोपित कर इस वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान वृक्षारोपण का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर विपिन बिहारी शर्मा ने अर्जुन का पौधा लगाकर किया। इस अवसर पर प्राचार्य ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यार्थी आज मोबाइल की इस दुनिया में इतना लीन है कि उसे अपने आसपास के वातावरण की कोई चिंता ही नहीं है। देश भर में चलाए जा रहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण के द्वारा विद्यार्थी अपने परिजनों रिश्तेदारों के साथ साथ अपने आस पड़ोस के लोगों में भी पर्यावरण संचेतना के प्रति जागरूकता का संदेश प्रेषित कर सकते हैं। इस अभियान के अंतर्गत आंवला, हरण, बहरा, अर्जुन, कचनार, बिलपत्र, बरगद, सिंदूरी, बांस, जामुन इत्यादि पौधों का रोपण किया गया है। इस अवसर पर वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर एस एन शर्मा, डॉक्टर सुभाष चंद, डॉक्टर रमेश भारद्वाज, डॉक्टर ओ पी शर्मा, डॉक्टर लोकेंद्र सिंह जाट, डॉक्टर अजीत सिंह, डॉक्टर दीपक शर्मा इत्यादि का सराहनीय योगदान रहा। इस वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद में उपस्थित लगभग 65-70 छात्र छात्रों को अल्पाहार कराया गया। इस अवसर पर इको क्लब प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत राय ने सभी का आभार और धन्यवाद भी ज्ञापित किया। श्योपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।